सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकला है। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। इधर चलिए, आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना, तो पढ़िए। भाइयों और बहनों, आओ पेट भर के खाओ, जब जी में आए चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। जय हिंद। जय हिंद। ये रही ट्रेन की टिकट। अबे उल्लू के पटे, जब तुझे पता है कि उल्टी गंगा बह चुकी, तो फिर उसके लिए ट्रेन की टिकट लाने की क्या जरूरत है? इसकी ट्रेन की टिकट नहीं, आप गांव की टिकट, अलीबाग की। हाँ? क्या बोला? जनाब कहाँ है, बुलाओ मेरे दुश्मन को। सेठ जी, इसे कहते हैं कबूतर चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अबे कबूतर नहीं, कौवा, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया कर। अभी आपको मिसाल के अंदर घुसने की क्या जरूरत? वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर 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 खैर, मेरा ढाबा हटाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपना चुके, लेकिन आप नाकामयाब रहे। अगर वाकई आपको मेरा ढाबा हटाना है, तो एक चांस मैं आपको देता हूँ, आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। काहे का मुकाबला? गाने बजाने का। अगर आप जीत गए तो मैं ढाबा हटा दूंगा, अगर मैं जीत गया तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। अरे मेरी निकल पड़ी। जी, बिना सोचे समझे आपने हाँ बोल दिया। गाना बजाना पे काम है? अबे तेरे को नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम। क्या? मैं खानदानी मीरासी हूँ, होटल से पहले हमारा यही सब तो काम था। मेरे को पहले से शक था, माँ कसम, लेकिन दिल मानता नहीं था। सड़क पे थोड़ी गाता बजाता था, खानदानी मतलब रजवाड़ों के यहाँ गाता बजाता था, मगर एक चीज में बहुत कमजोर हूँ। क्या? शायरी नहीं आती। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं भी सड़क छाप शायर हूँ। शायरी की टांग तोड़कर आपको पेपर पे लिख कर देता रहूंगा, बस आप